आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के हेलीकॉप्टर इंजन को लेकर। देखिए ये चीज क्लियर हो चुकी है कि IMRH के लिए जो इंजन बनाए जाएंगे वो भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे और ये जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन होगा। इस हेलीकॉप्टर के लिए जो इंजन बनाए जा रहे हैं वो बेसिकली 3000 शाफ्ट हॉर्स पावर के होंगे और इतनी ज्यादा पावर के इंजन इस समय फ्रांस के पास भी नहीं है। ये ऑल टुगेदर एक नया इंजन बनाया जाएगा और इसी वजह से मेरे लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। देखिए इस समय भारत में शक्ति इंजन्स बनाए जा रहे हैं और शक्ति इंजन बेसिकली RDDN इंजन का इंडिजिनाइज वेरिएंट है, यानी कि साफरान हेलीकॉप्टर्स की तरफ से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंजन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके HAL की मदद से इन इंजन्स को भारत में बनाया जा रहा है। इन इंजन्स को बनाने के लिए भारत को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया गया था और HAL इन इंजन्स के ऊपर काफी समय से काम कर रहे हैं, इसी वजह से उनको कुछ नो हाउ मिला है और इस नो हाउ का प्रयोग करके HAL अपना खुद का एक इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है। इस इंजन को नाम दिया गया है HTSC 1200। यहाँ पर 1200 इंडिकेट करता है 1200 हॉर्स पावर, जो इस इंजन की मैक्सिमम पावर होगी। देखिए शाफ्ट इंजन को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए आपको दो फैक्टर्स समझने पड़ेंगे, एक है स्पीड और दूसरा है पावर। एक शाफ्ट इंजन में स्पीड बेसिकली ये इंडिकेट करती है कि इंजन कितनी तेजी से चल रहा है, लेकिन ये कितना वजन उठा सकता है वो उसकी पावर डिसाइड करती है। इस इंजन को ऑलरेडी इसकी 100% स्पीड पर रन करके देखा जा चुका है, लेकिन अगर पावर की बात की जाए तो अभी तक 80% पावर तक इसको ले जाया गया है। नॉर्मली शाफ्ट इंजन की पावर टेस्टिंग के लिए इनकी पावर रेटिंग को बहुत धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और हर एक स्टेप पर टेस्ट के दौरान ऑब्टेन किए गए डेटा को स्टडी किया जाता है। इन स्टडीज में कई सारे महीने लग जाते हैं और उसके बाद फिर से यह प्रोसेस रिपीट किया जाता है। HTSC 1200 HAL की तरफ से अपने इंटरनल फंड्स का प्रयोग करके बनाया जा रहा है और भारत सरकार की तरफ से इस इंजन को लेकर कोई भी फंडिंग नहीं दी जा रही है। इंजन्स को लेकर इस समय देश में किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है और इसी वजह से HAL की तरफ से इस इंजन की हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए इसको ले जाया जाता है, जहां पर एक्चुअली हाई एल्टीट्यूड होती है, और फिर से वही प्रोसेस शुरू किया जाता है जहां पर धीरे धीरे पावर रेटिंग को बढ़ाया जाता है, डेटा को ऑब्जर्व किया जाता है और उस डेटा को स्टडी करने के बाद में दोबारा धीरे धीरे उस पावर रेटिंग को बढ़ाया जाता है। बेसिकली टेस्टिंग के दौरान 3 सालों में 80% पावर तक HAL पहुंच पाया था और उसके बाद की डिटेल्स अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। वैसे यहां पर अगर भारत के पास में एक प्रॉपर टेस्ट फैसिलिटी होती तो ये सारी के सारी टेस्टिंग केवल 3 महीनों के अंदर कंप्लीट की जा सकती थी, क्योंकि इन टेस्ट फैसिलिटीज में आप किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट सिमुलेट कर सकते हैं, विंड स्पीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और यहाँ तक कि ह्यूमिडिटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेटा एनालिसिस के लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स की भी आवश्यकता नहीं होती है और इसी वजह से एनालिसिस और कैलकुलेशन काफी तेजी से की जा सकती है। लेकिन इस तरीके की टेस्ट फैसिलिटी की कीमत काफी ज्यादा होती है और इंटरनल फंड्स से तो ऐसी टेस्ट फैसिलिटी नहीं बनाई जा सकती। एनीवेज साफरान हेलीकॉप्टर्स और HAL मिलकर IMRH के लिए जो इंजन बना रहे हैं उसके चलते कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनेगा और उसका प्रयोग HTFE इंजन में किया जा सकेगा। इनिशियली मेरा मानना था कि ये इंजन एनीटो इंजन का मॉडिफाइड वेरिएंट होंगे, जैसा कि RDDN को मॉडिफाई करके शक्ति बनाया गया था, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये ऑल टुगेदर एक नया इंजन होगा जो अनीटो से भी ज्यादा पावरफुल इंजन होगा। इतना पावरफुल इंजन इस समय साफरान हेलीकॉप्टर्स के पास में नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर एक पूरी तरीके से नए डिजाइन का इंजन बनाया जा रहा है। इस इंजन के डेवलपमेंट के दौरान साफरान और HAL के बीच में 50-50% का वर्क शेयर एग्रीमेंट होगा और इस दौरान DMRL द्वारा जो ब्लेड्स बनाए गए हैं, जो बेसिकली सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स हैं, उनका भी सर्टिफिकेशन हो पाएगा। यानी कि IMRH के लिए जो इंजन बनाया जाएगा वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और होपफुली ये एग्रीमेंट जल्दी आगे बढ़े। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जल्द से जल्द अगर भारत अपना खुद का कोर सर्टिफाई करा लेगा तो उसकी एप्लीकेशन इनॉर्मस है, लेकिन इस समय भारत के पास में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म, इस वजह से चीजें डिले हो सकती हैं।